हाँ, चाय है गरम गरम चाय है मसाले वाली चाय, कोई तो पियो टेस्टी टेस्टी चाय। भोजपुरी ही जवान ना ही सहेला जवान, बाई बतिया पे गावे गावे हाला, वो चाय लेवंटी वाला है कि ये सब चक्कर में सब खेसारी बन जाएगा। चाय लेवंटी मसाले वाली चाय है। जीवन में हमें बहुत लोग जिनसे उम्मीद रखता हूँ कि ये मुझे साथ देंगे, वैसे लोग भी मुझे हित परित हिताई निताई साथ छोड़ देला। जब रानू मंडल हिट हो गई तो फिर बोलने लगे सबके रानू मंडल बनेगा तू भी। इस तरह से धुतकारा है बहुत लोग। चाय की केतली लेकर चाय बेचता बिहार का एक लड़का बिहार के पटना के गांधी मैदान में पिछले 15 साल से उस मुकाम को खोजने का प्रयास कर रहा है जिस मुकाम के लिए ये सच में बना है। अभी हमारे साथ रामजस है जो पिछले 15 साल से गांधी मैदान में चाय की केतली लेकर चाय पी लो का नारा लगाते रहते हैं और साथ में गाना गुनगुनाते रहते हैं। लेकिन ये पेशे से एक सिंगर है, लेकिन जो सिंगर को एक मौका मिलना चाहिए वो मिला नहीं। ये इनकी कम्युनिटी देखिए और इनके बीच की एकता देखिए कि गांधी मैदान में बेचने वाले जितने भी चाय बेचने वाले लोग हैं वो अपने केतली पर पोस्टर साट कर घूमते हैं क्योंकि इनका प्रचार हो। और सिंगर हमारे साथ है रामजस, पिछले 15 साल से एक मौका पाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन किसी ने मौका दिया नहीं। हमारी नजर पड़ी, हमने बड़े बड़े सिंगरों से बात की, ले जाकर गुंजन सिंह से हमने बातचीत करवाया और 2-3 लोगों से और बात किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि गरीब घर का एक बच्चा मुकाम मिल जाए इसको और इतना बड़ा मुकाम मिले कि ये आगे बिहार को आगे बढ़ाए और इसको देखने वाले लोगों की हिम्मत बढ़े और दबी कुचली प्रतिभाओं को मान सम्मान और उनको एक नया दौर मिले। अभी हमारे साथ रामजस है, अपनी टीम के साथ है। रामजस कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। आप तो पूरे बिहार में छा गए हैं। अरे आप आ गए, यही मेरे लिए सबसे बड़का चीज हो गया। आपसे कभी मुलाकात होगी, आप कभी मेरा इंटरव्यू लीजिएगा, इसका भी हमने उम्मीद नहीं किया था। चाय कैसे बेच रहे हैं और कब से बेच रहे हैं? चाय मैं 15-16 साल से बेच रहा हूँ और 5 रुपया का पहले बेचता था, 1 रुपया से शुरुआत किया था। 1 रुपया बिकता था छोटा कप, 2 रुपया बेचते थे बड़ा कप। आपके मित्र आपसे जलन करते हैं या आपका सहयोग करते हैं? जलन नहीं है, सहयोग करते हैं हमारा हमेशा। जो भी गाना 2 गाना गाए हैं, दोनों गाना का पोस्टर सभी चाय वाले केतली पर चिपका के सब ग्राहक से प्रचार करते हैं कि मेरा भाई चाय पर आप पोस्टर साट देते हैं। जो गाना आपके चैनल पर आया है रामजस ऑफिशियल पर, उसको सुनाइए थोड़ा सा। कर दो ऐसी ये चाय की केतली मेरी ताकत है। कर दो ऐसी कृपा है मोरी माता, वाह गाँव जग में तेरा जगराता, गाँव जग में तेरा जगराता, हे माता हे माता हे माता हे माता, गाँव जग में तेरा जगराता। पवन खेसारी बड़े नाम छोटा काम, बड़े लोग हैं आप, इनको बुलाइए और मौका दीजिए। इसलिए मौका दीजिए क्योंकि ये आगे बढ़ेंगे तो बिहार आगे बढ़ेगा। पिछले 15 साल से इधर बदर भटक रहे हैं, सोच रहे हैं किसी बड़े सिंगर का नजर हम पर पड़ेगा तो हमारी जीत होगी, लेकिन किसी की नजर पड़ नहीं रही है। कितना चाय बेचते हैं दिन भर में? दिन भर में कईयो देखिए बाजार का कोई मोल नहीं है, कईयो 400 बिकता है, कईयो 500 मिलता है, कईयो नहीं बिकता है। आज तो बस सभी चाय वाले भाई बोला कोई 150 बेचे है, कोई 100 बेचे है। हाँ। तो अभी बाजार लगभग अभी से छठ तक ले खराबे रहेगा। आप कितना का बेचे हैं? हम तो बेचे हैं 250 के। सब 150 का बेचे, आप 100 का 250 का बेचे। क्या खासियत थी कि जो आपका 250 का बिक गया? थोड़ा सा इधर पॉपुलर भी हुआ हूँ, इस वजह से भी बिका है। हाँ। थोड़ा मिमिक्री करता हूँ ऐसे भी, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा मैं बेच लेता हूँ। चाय बेचने में भी मिमिक्री करते हैं? हाँ, चाय तो ज्यादा लोग अट्रैक्टिव होते हैं। हाँ। क्या मिमिक्री करते सुनाइए। जैसे कि कार्टून के आवाज में बेचने लगता हूँ, आनंद मोहन जी के आवाज में। हाँ, चाय है गरम गरम चाय है मसाले वाली चाय, कोई तो पियो टेस्टी टेस्टी चाय है। और फिर आनंद मोहन है चाय लेवंटी मसाले वाली चाय है। फिर अय्या राम अय्या चाय जे नेम्बो वाले चाय जे चाय गरम है जे। इस तरह से कैसे बेचते हैं।
और एक गाना भी आपने बनाया निरहुआ रिक्शा वाले के ऊपर, चाय वाला ही गाना बनाया है। हाँ, वो थोड़ा सा सुना दिए है, सेम वही गाना, उस पर थोड़ा सा हम लोग अपना मनोरंजन के लिए जोड़ दिए है। भोजापुर ही आ जवान ना ही सहेला जवान, भोजापुर ही आ जवान ना ही सहेला जवान, बाई बतिया पे गावे गावे हाला, चाय लेवंटी वाला, चाय लेवंटी वाला, भैया चाय लेवंटी ही वाला, हम है चाय लेवंटी वाला। अच्छा, 15 साल से भटक रहे थे इधर उधर, गाना गाकर अपने मुकाम की तलाश कर रहे थे, किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी आपके ऊपर? मैं इसीलिए थोड़ा सा अलग, मैं सिंगर बनने का मेरा सपना है, लेकिन मैं सोचता था कि गाना गाऊंगा तो लोग तो ऐसे समझेंगे कि लड़की को सुनाने के लिए स्टाइल मारने के लिए गा रहा है। तो मैंने सोचा कि कुछ न अलग आवाज मिमिक्री को प्रयास करते हैं, मिमिक्री करने का, मिमिक्री के आवाज में गाएंगे। मान लीजिए गांधी मैदान में यहाँ बड़े बड़े लोग भी आते हैं, हम सोचे कहीं भोजपुरी से कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहीं बैठा रहेगा, अगर अलग आवाज में बोलूंगा तो उसकी ध्यान मेरे तरफ हो जाएगी, फिर वो ये उनसे मैं ये सवाल भी करूंगा कि मैं गाना भी अच्छा गाता हूँ तो वो मुझे कहीं चांस दे देवे, यही सोच के इस सफर पर निकले हुए थे। एक और गाना सुनाइए भोजपुरी का जो आपके दिल के करीब है बेहद। एक बहुत बढ़िया बढ़िया गाना है मेरे जसवा वाला कोई। हाँ हाँ, जो वो तो खैर मेरा सबसे फेवरेट गाना है, लेकिन उससे भी बढ़िया बढ़िया और भी गाना सब है, सुनाइए। थोड़ा थोड़ा हम सुनाते हैं, पहले एक दूगो, उसके बाद सुनाएंगे वो वाला, लास्ट में बेस वाला सुनाएंगे। इमोशनल गाना मुझे, जैसे खेसारी जी एक बहुत अच्छा, हम भी जैसे गरीब लोगों पर गाने गाए हैं वो खेसारी जी, देखनी ही नजर से अपना हम जिंदगी करीब से, वाह, देखनी ही नजर से अपना हम जिंदगी करीब से, देखनी ही नजर से अपना हम जिंदगी करीब से, जिकरा बजावन मिलल अपना नसीब से, जिकरा बजावन मिलल अपना नसीब से। वाह, एक गाना और सुनाइए, मन करता है सुनते रहूं मैं, सच में इतना अच्छा गाते हैं आप। ही गजब गजब के लोग बाजग में, वाह, स्वार्थ भइल समाज हो, हाय, हाँ, दुख में कहाँ बा कोई संगतिया, वाह, ई दुनिया में आज हो, हित परित हिताई निताई साथ छोड़ देला, हित परित हिताई निताई साथ छोड़ देला, जब समय हो लकम जोर, जब समय होला कमजोर तहर केहू साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तहर केहू साथ छोड़ देला। जीवन में हमें बहुत लोग जिनसे उम्मीद रखता हूँ कि ये मुझे साथ देंगे, वैसे लोग भी मुझे कि बनला सौ गो साथी बिगड़ला के क्यों ना, दुत्कारा है कि ये सब चक्कर में सब खेसारी बन जाएगा। क्या बोलते थे, सब खेसारी पवन बन जाएगा, जब रानू मंडल हिट हो गई तो फिर बोलने लगे सबके रानवे मंडल बनेगा तू भी। इस तरह से धुतकारा है बहुत लोग, लेकिन मैं जानता था कि मैं प्रयास करते रहूंगा। हमको खेसारी नहीं बनना, हमको पवन सिंह भी नहीं बनना, हमको रानू मंडल भी नहीं बनना, हमको कच्चा बादाम वाला चाचा भी नहीं बनना, हमको सिर्फ रामजस बनना है, रामजस बिहारी बनना है, क्योंकि रामजस के अंदर जो प्रतिभा है वो रामजस को रामजस बना सकती है और दुनिया का जस इनके झोली में लाकर डाल सकती है। इसलिए पवन खेसारी नहीं बनना, हमको बनना है रामजस और रामजस बनेंगे। मैंने देश के भक्ति गाना सुनाता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। जग में जहां पाई, जग में जहां पहिले उगे किरनिया, उगे सूरज भगवान रे, ओही देशवा में घर मोर बाटे, नाम है हिंदुस्तान रे। जग में जहां पहिले
उगे किरनिया जग में जहां पहिले उगे किरनिया उगे सूरज भगवान रे वही दिशा में घर मुर भैया नाम है हिंदुस्तान रे वही दिशा में घर मुर भैया नाम है हिंदुस्तान रे कुहक कुहक कह डाली कोयलिया भोरे सुनावे तान रे कुहक कुहक के डाली कोयलिया वाह भोरे सुनावे तान रे जय हो कान्हा पे हल लेके चल ले किसनवा वाह कान्हा पे हल लेके चल ले किसनवा हानिहुर निहुर रोपे धान रे जय हो वही दिशा में घर मुर भैया बहुत बढ़िया नाम है हिंदुस्तान रे बिहार के कैलाश खेर में अगर इनको कहूँ तो किसी से कम नहीं होगा एक देश के कैलाश खेर है हमको हमारा बिहार का कैलाश खेर मिल गया मैं आज निवेदन करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर नहीं करेंगे मत कीजिएगा लेकिन इनका नंबर मैं बताऊंगा अगर आपके घर पर प्रोग्राम होता है और अगर मंच पर किसी बड़े कलाकार के साथ इनको बुलाते हैं तो इनका परम सौभाग्य होगा मैं चाहता हूं इस वीडियो को शेयर मत कीजिए लाइक मत कीजिए कमेंट मत कीजिए लेकिन आपके घर में प्रोग्राम है तो राम जस को जरूर बुलाइए और जब राम जस को बुलाइएगा तो ये आगे बढ़ेंगे तो इनको देखकर तमाम बढ़ने वाले लोगों के अंदर हिम्मत आएगी और बिहार का लाल जाकर बिहार से बाहर बिहार का नाम रोशन करेगा।